ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوار ميت كسات كابس ها بربيو خريت سهم رحمشة خشري رح. I hope all of you will be okay by the grace of Allah Mr. Rahman and Rahim Today we will talk about that in front of Allah का ज़िक्र कि अल्लाह के सामने आपका जिक्र किया जाए कितनी बड़ी बात है ये इमेजन करें सोचें जरा अगर हम इसके बारे में कि अल्लाह के सामने सुबहान अल्लाह क्या बात है अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है अल्लाह को अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है वो सत्तर माओं से ज़्यादा प्यार करता है और उसके सामने हमारा ज़िक्र हो अल्लाह वो क्या मकाम होगा वो क्या बात होगी अल्लाह हमें भी अपने उन बंदों में शामिल फ़रमाए कि हमारा ज़िक्र हमारे प्यारे अल्लाह के सामने हो और अल्लाह ने उसको कितना आसान तरीका बता दिया कि हर नमाज के बाद अगर आप लोग ये कलमे पढ़ें ये अल्फाज पढ़ें कलमात पढ़ें तो अल्लाह पाक के सामने आपका जिक्र होगा सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्ला, क्या बात है मेरे अल्लाह की क्या बात है ये ज़िक्र ज़रूर किया करें नमाज के बाद छोटे छोटे कलमे हैं सैयद रनुमुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताली नमा से रिवायत है कि के रसोल्ला वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जलाल जो तुम ज़िक्र करते हो वो तस्बीह सुबह अल्लाह तहलील ला इलाहा इला और तहमीद, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह है ये कलमे अश के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इनमें शहद की मक्खियों की बिन बनाहट की तरह आवाज़ होती है अपने कहने वाले का ज़िक्र करते हैं अल्लाह के सामने क्या तुम में से कोई ये पसंद नहीं करता कि उसके लिए एक ऐसा शख्स हो जो अल्लाह ताला के सामने उसका बराबर जिक्र करता रहे सुबहान अल्लाह इसलिए हर नमाज के बाद हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया है तरीका जिसे इनको कि इनको ज़रूर पढ़ना है तैतीस बार सुबहान अल्लाह तैतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह और तैतीस बार आपने पढ़ना होता है अल्लाह अकबर लेकिन साथ साथ यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िक्र इसलिए जब भी टाइम मिले आपने ये ज़िक्र ज़रूर करना है अल्लाह पाक मुझे और आपको उन लोगों में शामिल फ़रमाए और लोगों को भी बताएं ताकि इतना आसान साए सुबहान अल्ला है कहते हैं देखे ना क्या है कि अगर एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह पाक जन्नत में दरख्त लगा देते हैं तो हम में से कौन जन्नत क्या है जन्नत तो एक जगह है अल्लाह पाक ने हमारे नाम अलाट कर दी आपका प्लाट तो अल्लाह ने वहाँ लगाया बना दिया है प्लाट अल्लाह ने आपको दे दिया है अब उसको सजाना कैसे है उस पर कौन सा महल तामीर करना है उस पर कैसे आपने चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़ूबसूरत तमीरत हो वो आपका जिक्र करेगा जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे उतना ही खूबसूरत अल्लाह पाक जन्नत में आपको महल अता फ़रमाएंगे हम सबको वहाँ पर रखेंगे इन जन्नतुल दोस्त में लेकिन उसको खूबसूरत तो हमने खुद बनाना है ना तो इसलिए अल्लाह का ज़िक्र किया करें अपनी ज़बानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करें अपने दिल को अपनी ज़बान को आप यकीन करें इतना लुत्फ़ आता है इसके अलावा किसी और चीज़ में वो मज़ा नहीं है जो अल्लाह के ज़िक्र में है और उससे अल्लाह पाक आपके हर काम को आसान कर देते हैं वो वहाँ से मदद करते हैं जहाँ एक से इंसान गुमान नहीं कर सकता अल्लाह पाप मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़िक्र करने वाला बनाए अपने प्यारे नबी की सुनतों पर अमल करने वाला बनाए हमें हर वो भलाई अता फ़रमाए जिसकी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और हमें हर उस बुराई से हर उस गुनाह से हर उस शर से महफूज रखें जिससे हमारे प्यारे नबी ने पनाह मांगी जहाँ भी रहें खुश रहें दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह का जिक्र करते रहें वाक़र दवाना अलहमदुल्ल रबीआलिनफ़ी